महिलाओं पर अत्याचार रेप के मामले में कल भी मध्य प्रदेश बदनाम था और आज भी बदनामी का दंश भोग रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के केसली क्षेत्र थाना से जुड़ा है, जहां स्कूल में एक नाबालिग छात्र ने उसी स्कूल की एक छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी छात्र चूंकि नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया है। जानकारी कहती है सहजपुर की यह घटना बताई जा रही है। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली दो राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। इन दिनों स्कूल में परीक्षा चल रही है और तमाम स्कूल टीचर जब परीक्षा ड्यूटी में तैनात थे, उसी वक्त इस छात्र ने एकांत और सुनसान जगह देखकर स्कूल के एक कमरे में छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुट गई है। हालांकि यहां के प्राचार्य की लापरवाही देखी जा रही है और वो माध्यमिक स्कूल और शासकीय स्कूल दोनों का चार्ज लिए है। इस मामले में प्राचार्य ने परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र और छात्रा के परिजन को नोटिस दिया है। मामला केसली थाना पहुंच गया। जब 3:30 बजे आया तो मेरे लिए एक अतिथि शिक्षक है कैलाश अहरवाल, इनके द्वारा हमें ये बताया गया कि ये घटना 1:36 पे ताला में हुई है। इसकी हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली, सीसीटीवी फुटेज से हमने इसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के उपरांत बच्चे दोनों लड़का लड़की परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा कार्य में उनको व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए उनके पेपर कराए गए 2 से 5 बजे के बाद उनके पालकों को नोटिस जारी कर लड़के के फादर और बच्ची के फादर को बुलाया गया। बुलाने के बाद दोनों से सहमति ली गई, सहमति लेने के उपरांत उनको उनके पेरेंट्स को सौंप कर उनको बच्चों को दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंपा गया। लेकिन शिक्षा के मंदिर में स्कूल में इस तरह की घटना शर्मसार जरूर करती है। एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है जिसमें हम लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते, ना ही उसका नाम बता सकते हैं, ना ही उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां अब छात्राएं स्कूल में महसूस नहीं है। ये सवाल सरकार से है, पुलिस से है और स्थानीय प्रशासन से है। जब केसली थाना अंतर्गत किसी स्कूल से संबंधित एक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, क्या मामला है ये? ये एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है केसली थाना के अंतर्गत, जिसमें एक नाबालिग लड़की है उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो केसली थाने में मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है और इसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अनुराग विश्वकर्म, सागर एक्सप्रेस न्यूज, केसली। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली दो राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।